हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेक जोशी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोटोरोला की तरफ से आने वाले अपकमिंग स्मार्टफोन जिसका नाम होगा मोटोरोला G71S। दोस्तों, ये स्मार्टफोन एक 5G स्मार्टफोन होने वाला है। तो दोस्तों, ये स्मार्टफोन को चीन में लॉन्च कर दिया गया है और बहुत जल्द हमें इंडिया में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, ये स्मार्टफोन इससे पहले लॉन्च मोटोरोला G71 5G का अपग्रेड वर्जन है जिसमें हमको 6GB की रैम और 128GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया था। बट मोटोरोला G71S 5G में हमको डुअल स्पीकर के साथ 8GB का रैम और 128GB का इंटरनल स्टोरेज दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये स्मार्टफोन हमको इंडिया के अंदर कब तक देखने को मिलेगा और इंडिया प्राइस क्या होने वाली है, साथ ही किस स्पेसिफिकेशन पर देखने को मिलेगा, तो सब कुछ हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप और भी इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, ये स्मार्टफोन हमको देखने को कैसा मिलेगा, तो वो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो जो कि काफी बेहतरीन डिजाइन के साथ देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, ये स्मार्टफोन का बैक बॉडी प्लास्टिक का है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 12 पर बेस्ड रहेगा। दोस्तों, ये फोन का 8mm का थिकनेस है और 173 ग्राम का वेट है। भाई, इसमें आपको 3 कार्ड स्लॉट का ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसमें आप 2 सिम 1 माइक्रो एसडी कार्ड अलग से यूज कर पाओगे। भाई, ये स्मार्टफोन को एक ही वेरिएंट में लॉन्च किया जाएगा जो कि 8GB की रैम और 128GB का इंटरनल स्टोरेज दिया जाएगा। दोस्तों, इसमें आपको माइक्रो एसडी कार्ड का भी सपोर्ट मिल जाएगा जिसे आप 1TB तक बढ़ा सकते हो। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करेंगे यानी कि प्रोसेसर की, तो दोस्तों, ये स्मार्टफोन में यूज किया गया है क्वालकॉम की तरफ से क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का चिपसेट जो कि 6nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और दोस्तों, इसका अंततु स्कोर 3,90,000 के आसपास है। तो ओवरऑल दोस्तों, परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको काफी बढ़िया देखने को मिल जाएगा। अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसमें आपको 6.6 इंच की फुल HD रेजोल्यूशन की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी जो कि 120 Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगी। और दोस्तों, ये डिस्प्ले पंच होल डिस्प्ले होने वाली है। तो ओवरऑल दोस्तों, डिस्प्ले क्वालिटी भी काफी बेटर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर हम इसके कैमरा की बात करेंगे तो इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा जो कि 50MP का प्राइमरी कैमरा है, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल जबकि 2MP का माइक्रो कैमरा दिया जाएगा और LED फ्लैश का भी ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों, इसमें आपको वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए मिल जाएगा 16MP का फ्रंट कैमरा। दोस्तों, इसके बैक कैमरा एंड फ्रंट कैमरा से आप फुल HD 30fps वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे। वहीं पर इस फोन में पावर बैकअप के लिए इसमें आपको 33W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000mAh की बैटरी दी जाएगी और चार्जिंग के लिए USB Type-C केबल मौजूद रहेगा। अदर फीचर के लिए दोस्तों, इसमें आपको साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक दोनों दिया जाएगा और 3.5mm का हेडफोन जैक भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर हम इसकी प्राइस की बात करेंगे तो ये स्मार्टफोन आपको 8GB की रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज की एक्सपेक्टेड प्राइस है 19,000 रुपया। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस स्मार्टफोन की लॉन्च डेट की। तो दोस्तों, ये स्मार्टफोन की लॉन्च डेट है 24 अगस्त 2022। उम्मीद है तब तक ये इंडिया में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम वीडियो करते हैं समाप्त। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।